वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह से हुई तैयार। हिटमैन रोहित शर्मा बने टीम इंडिया के कप्तान, शानदार खिलाड़ी हुए भारतीय टीम में शामिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और यहां पर वेस्ट इंडीज़ के बीच 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की पूरी रणनीति घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस रणनीति के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह सीरीज कब शुरू होगी और इस सीरीज को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे और कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए रहे इस वीडियो का आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया शानदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरे और इस सीरीज को पूरी तरह से अपने नाम पर करे, तो दोस्तों हम बात करें इस सीरीज़ के बारे में, तो ये सीरीज़ काफ़ी रोमांचक होगी जहां पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया लंबे समय के बाद एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही है। जहां पर भारतीय टीम की कप्तानी हिटमैन रोहित शर्मा करेंगे तो वहीं पर वॉइस कैप्टन के रूप में यहां पर हार्दिक पांड्या शामिल रहेंगे और इस सीरीज में कमाल की रणनीति के साथ दोनों ही टीमें मैदान पर उतरेगी और यहां पर शानदार रणनीति के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरते हुए इस सीरीज को भी अपने नाम पर करेगी। हम बात करें इस सीरीज के लिए सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाड़ियों के बारे में, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के कप्तान जो कि निकोलस पूरन है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में आईपीएल में शामिल रहे थे। निकोलस पूरन ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था और काफ़ी महंगे भी साबित ये हुए थे। इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर आईपीएल में भी दमदार रणनीति के साथ ये मैदान पर उतरे थे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर कमाल का परफॉर्मेंस टीम इंडिया के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज में ये कप्तानी करते हुए दिखेंगे। निकोलस पूरन के अलावा भी टीम में शानदार खिलाड़ी मौजूद है, जहां पर जोसन होल्डर भी टीम का हिस्सा है, तो वहीं पर रोमन पावेल को भी टीम में शामिल किया गया है। काइली मेयर्स जो कि निकोलस पूरन की कप्तानी में मैदान पर उतरेंगे, इसके साथ ही यहां पर हेडन वॉस भी टीम का हिस्सा है, तो वहीं पर जयंत सेलिस भी टीम में शामिल है जो कि यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर साई होप भी टीम का हिस्सा है, तो वहीं पर एलेक्स होसेन भी टीम में शामिल किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर देखें तो काफ़ी दमदार खिलाड़ियों के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम भी मैदान पर उतरने वाली है। दूसरी तरफ भारतीय टीम की हम बात करें तो टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा है। इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाजों की हम बात करें तो यहां पर ईशान किशन जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर गेंदबाजों की हम बात करें तो गेंदबाजी के तौर पर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, इसके साथ ही युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, साथ ही साथ यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, जयदेव उनादकट, इसके साथ ही यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखने वाले हैं। बल्लेबाजों की हम बात करें तो बल्लेबाजों के तौर पर टीम में दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ साथ ही शानदार बल्लेबाज भी टीम में शामिल है, जहां पर विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जो कि कमाल की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करके दिखाते हैं। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, केएल राहुल, सुमन गिल जैसा दमदार खिलाड़ी भी टीम में शामिल है। वहीं पर सूर्य कुमार यादव को भी टीम में जोड़ा गया है जो कि कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखें तो काफ़ी दमदार खिलाड़ियों के साथ टीम मैदान पर उतरेगी और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, जो इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करें इस सीरीज़ के शुरू होने के समय के बारे में, तो यह सीरीज बेहद जल्द शुरू होने वाली है। यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के मुकाबले के बाद इस सीरीज़ के शुरू होने के चांस है। यानी कि यह सीरीज जुलाई या फिर अगस्त में खेली जाएगी। तो दोस्तों क्या लगता है, इस मुकाबले में टीम इंडिया को किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहिए? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।